رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض صلوات پڑھے محمد وآل محمد عزیزان محترم تیئیس سفر چودہ سو تینتیس ہجری چونتیس ہجری اور دسمبر کے لحاظ سے آج بتائیے تیرہ دسمبر یاد آ گیا آج کا یہ دن گجرات کی تاریخ کے لیے بھی تاریخی دن ہے اور تمام مومنین کے لیے یہ تاریخی دن ہے یہ جو شبیہ روزہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اللهم صل علی محمد عظیم الشان افتتاح ہوا ہے آپ سب اس عظیم الشان افتتاح کے شریک بھی ہیں اور گواہ بھی ہیں شریک بھی ہیں اور گواہ بھی ہیں اس لیے یہ آج کا دن انتہائی تاریخی دن ہے تاریخ گجرات کے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی ظاہر ہے کہ آج سے اس روزے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ زیارت کا شروع ہو جائے گا اب نہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زیارت کتنے زمانے تک چلے گی نہ ہمیں معلوم ہے نہ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہزارہا سال جب تک یہ زیارت چلے گی جانے کتنے لاکھ لوگ زیارت کریں گے کہ جانے کتنے کروڑ لوگ زیارت کریں گے جتنے لوگ زیارت کرنے آئیں گے ہر ایک کی زیارت کے ثواب میں آپ کا ثواب شامل ہوتا جائے گا توجہ ہے آپ کا ثواب اس میں شامل ہوتا جائے گا بھئی کیوں شامل ہوتا جائے گا میرا موضوع یہی رہے گا آخر تک آپ کی توجہ چاہیے
क्यों शामिल होता जाएगा? इसलिए कि आप शान इफ्तिताह रोजे की अलामत है, आप इस इफ्तिताह की शान और शौकत का एक हिस्सा है। कतई नजर इसके रोजे का इफ्तिताह तो यूं भी हो जाता कि जब कोई ना होता ताला खोल दिया जाता, इफ्तिताह हो जाता। इफ्तिताह के मतलब क्या होते हैं? खोलना, फतह, इफ्तिताह खोलना। तो ताला तो तब भी खुल जाता, ऐसा तो नहीं कि आप हजरात ना आए होते तो ताला खुलता ही नहीं, दरवाजा खुलता ही नहीं, खुल सकता था ना। लेकिन आप हजरात को इस जियारत के जियारतगाह के इफ्तिताह में दावत दी गई। मुंतजमीन ने, अल्लाह उन्हें मुबारक करे, एक आलीशान एहतमाम किया। उस एहतमाम पर आप लब्बैक कहते हुए आए, लब्बैक कहते हुए आप आए। आपने अपना किराया खर्च किया, आपने अपने अय्याम खर्च किए, आपने अपनी मसरूफियात छोड़ी। तो जाहिर है कि ये सारी कुर्बानियां जो हैं वो हैं इस इफ्तिताह की शान को बढ़ाने के लिए। मैं बात पहुंच रही है ना, इस इफ्तिताह की शान को बढ़ाने के लिए। अगर आप इस प्रोग्राम में ना आते, जब और आते तब भी जियारत हो जाती, आज ही क्यों आए? सिर्फ इसलिए कि इस शान इफ्तिताह का हम हिस्सा बने। तो ये याद रखिएगा कि चाहे मस्जिद हो या इमाम बारगाहें हो या शबीहे रोजा हो या मुसल्लम असले रोजा मुकद्दस हो, इसमें कोई चाहे वक्त दे, चाहे मेहनत दे, चाहे पैसा दे, चाहे दिलचस्पी दे, जो कुछ खर्च करेगा उसका सवाब उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो इमारत बाकी रहेगी। मैं जुमला पहुंच रहा है, उस वक्त तक ये सवाब हर एक का जारी रहेगा। और रोजे महशर, भाई सुनिएगा जुमला, रोजे महशर ये सारी इमारतें हम सब की गवाह बनेंगी। चाहे मस्जिद हो, चाहे इमाम बारगाहे हो, चाहे ये शबीह रोजा हो, चाहे असले रोजे मुकद्दस हो, उसे भी मोमिनीन ही तामीर कराते। ये सब रोजे महशर उन तामीर करने वालों, इंतजाम करने वालों, उसमें हिस्सा लेने वालों, उसकी शान शौकत दुबाला करने वालों के गवाह होंगी। और एक एक ईंट इसकी गवाही देगी, एक एक जर्रा इसका गवाही देगा कि पालने वाले ये मेरे साथ शामिल हुआ था, इसने पैसा लगाया तामीर में ये शामिल हुआ था, इसने मेहनत की तामीर में ये शामिल हुआ था, इसने दूसरी तरह से एहतमाम और इंतजाम में शिरकत की। ये मोमिनीन जो हैं ये शामिल हुए थे हमारी इफ्तिताह की शान में, इज्जत में, आबरू में दुबाला करने के लिए। तो हर एक की गवाही रोजे महशर एक एक जर्रा देगा और हमारा सवाब इसमें सवाब जारिया रहेगा जब तक ये रोजा कायम है। अब जुमला देना चाहता हूं, शायद ये गवाही की बात जो मैं पढ़ रहा हूं इसकी हकीकत कितनी है? क्या ये रोजे महशर कंकर पत्थर बोलेंगे? इसी को बताने के लिए रसूल ने अपने हाथों पर कंकर उठा के और कलमा पढ़वा के बताया जब ये यहां बोल रहे हैं। हाय हाय, वे बात पहुंच रही है। जज़ाकअल्लाह। रसूल ने अपने हाथों पर संगरेजे कंकर पत्थर को उठा के और कलमा पढ़वा के और कुफारे मक्का को सुनवा के, ये कंकर पत्थर अरबी जुबान में बोले थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
जिस तरह एक इंसान बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस तरह ये कंकर पत्थर बोले थे। ये दिखाया ही इसीलिए ताकि जमाने वालों के लिए कयामत तक दलील बन जाए कि जब अगर कोई हमारा जाकिर इस हदीस को सुने तो कोई जाहिल ये न समझे कि ये कंकर पत्थर रोजे महशर कैसे बोलेंगे। जब अल्लाह का रसूल ने बुलवा रहा है तो उस रसूल का खालिक क्यों ना बुलवाएगा। इसलिए जबान अता की, ये सब गवाह हैं। अब आप अंदाजा कर सकते हैं जिसे आपने शायद अब तक इतनी अहमियत न दी हो, शायद आपके जहनों में यह बात अब तक न रही हो कि हम तो यहां आए हैं, चलिए एक जियारत हो गई, मेरे सामने इफ्तिताह हो गया। मुमकिन है कोई ये सोच रहा हो मेरा फोटो खिंच गया, कोई ये सोच रहा हो हमने शानदार इफ्तिताह को देख लिया, कोई ये समझ रहा हो कि भाई मैदवीपुर साहब आए थे हम उन्हें कहां सुनते, यहां सुन लिया हो। अब जिसके जहन में जो तसव्वुर हो वो तसव्वुर अपनी जगह है, मगर कयामत ये खैर जारिया आपके हिसाब में रहेगा जब रोजे महशर आपके आमाल नामे आपको दिए जाएंगे, तो शायद उस दिन भी हैरत हो कि पालने वाले ये इतना लंबा सवाब, एक दिन का 1000, एक दिन का 200, एक दिन का 50, एक दिन का 20, एक दिन का 70, ये सवाब कैसे है। तब फरिश्ता बताएगा जिस दिन जितने जायर आए थे हर एक के सवाब में तुम्हारा सवाब शामिल था। भाई तवज्जो है, इतना सवाब कयामत तक मिलता रहेगा इंशाअल्लाह, इतना सवाब कयामत तक मिलता रहेगा। और अब ये जुमला भी शायद किसी लायक को आप तक पहुंचाना चाहूंगा, घबराइए नहीं, इतना सवाब कैसे मिल जाएगा। गिन के वो देता हो जिसे अपनी पूंजी की आखिरी गिनती मालूम होती है। हाय हाय हाय, क्या सुन रहे हैं आप। गिन के वो देता है जिसे ये मालूम होता है कि हमारे पास इतना ही है, 1 लाख 1.5 लाख, 1 करोड़ 1.5 करोड़, 5 करोड़ 1 अरब, यानी आखिरी गिनती जिसको पता होती है वो जब देता है तो गिन के देता है। वो तो वो है कि देता भी बगैर हिसाब है। देखिए जिंदाबाद। देखिए हमारे नाजिम साहब जनाबे फसील काजमी साहब बड़े अच्छे नाजिम हैं और उन्होंने माइक की जिम्मेदारी हमारे हवाले कर दी और वो मुतमईन हो गए कि 1.25 घंटा जब से मैं बैठा हूं आप भी जोड़ लिए 1.25 घंटा, तो फिर 1.25 घंटा 1.25 घंटा अब ये उरूज जौनपुरी उतरने वाला नहीं है, तो वो मुतमईन हो गए। अब सवाल ये है कि जब तक उनके हाथ में माइक था वो मोमिनीन को आवाज दे के बुला रहे थे कि आइए मौलाना आ गए, तशरीफ ले आइए, मजलिस शुरू होने जा रही है, और ये आवाज नशर हो रही थी आइए मजलिस शुरू हो गई वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है कि अब मजमे को कौन बुलाएगा। मैं बुलाऊंगा नहीं, मैं बुलाऊंगा नहीं, और मैं मजलिस में एक बार भी नहीं कहूंगा कि नारा लगाइए, ना मैं ये कहूंगा कि जोरदार लगाइए, ना मैं ये कहूंगा कि मिलजुल के लगाइए। कल आपने सुना मैंने एक बार भी ऐसा कोई मुतालबा किया, ये सब मैं कहने का आदि नहीं हूं, इसलिए कि जो नारा लगाता है अपने सवाब के लिए तो फिर मैं क्यों भीख मांगू। याली है बताइए, याली जो
सलामत रहिए। या अली अली मौला अली मौला अली मौला या अली अली। हाँ बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह सलामत रहिए। अल्लाह इन आवाजों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। है ना अजीजों, मैं दुआएं दूंगा इसलिए कि जिक्र अहले बैत के दरमियान जो दुआ होती है वो जरूर कबूल होती है। उलमा बैठे वो जरूर कबूल होती है। तो मैं दुआ दूंगा नारा लगाने वालों को, मगर मैं भीख नहीं मांगूंगा इसलिए कि जो नारा लगाएगा अपने सवाब के लिए, सवाब आप लेंगे, भीख मैं क्यों बिला वजह मांगता फिरूं कि नारा लगाइए, दुरूद पढ़िए, ये कीजिए वो कीजिए। मगर एक आपको बड़ी साइकोलॉजिकल नफ्सियाती बात बता दे रहा हूं कि नाजिम साहब चले गए जहां से ये बात निकल आई। अब आप लोगों को बाहर से कोई बुलाने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपके नारे लगेंगे तो लोग जरूर आएंगे। अगर आपके नारे लगेंगे तो लोग जरूर आएंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कुछ आ जाएंगे कि इतना नारा लग क्यों रहा है। और जज़ाकअल्लाह। बेशक बेशक जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद लानत बेशुमार। अल्लाह सलामत रखे या अली कहने वालों को, अपनी रहमतों के साए में रखे। देखिए कानोदर कहाँ और बेंगलोर का अलीपुर कहाँ, ये मोमिन भाई आपका अलीपुर बेंगलोर से आया है और आपको नारे में शरीक कर रहा है। अब तो यकीन हो गया ना कि किस तरह सवाब बढ़ता है। कहाँ का आदमी कहाँ आके आपको सवाब में शामिल कर रहा है। तो अजीजों में गुजारिश कर रहा था कि गिन के वो देता है जिसे ये मालूम हो कि आखिरी गिनती क्या है। मगर वो परवरदिगार जो देता है तो बगैर हिसाब देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। वो परवरदिगार अता करता है तो बगैर हिसाब अता करता है। मैं तवज्जो रखिएगा, तो जितने मोमिनीन शामिल हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना सवाब मुसलसल जुड़ता चला जा रहा है। मुसलसल देखिए, आप अकाउंट खोलते हैं एक, अभी तक मैंने आयत का तर्जुमा भी नहीं किया मगर ये सारी बातें उससे रिलेटेड है और मैं आपसे करीब हो जाऊंगा अगर सारे जुमले आपने याद रखे। आप अकाउंट खोलते हैं एक, बैंक में एक अकाउंट आपने खोल दिया, अहमदाबाद से पैसा आया तो भी उसे पहुंच गया, बेंगलोर से पैसा आया तो भी उसे पहुंच गया, लखनऊ से पैसा आया तो भी उसे पहुंच गया, दिल्ली से पैसा आया तो भी उसे पहुंच गया। अकाउंट सही होना चाहिए। हाय हाय क्या सुन रहे हैं आप। अकाउंट सही हो तो कहीं से आए, किसी बैंक का चेक हो, किसी बैंक से पैसा आए, आएगा आपके अकाउंट में। आपने अकाउंट खोला है मवद्दत अहले बैत का। मैं जुमला समझो जुमला समझो, अकाउंट खोला है मोहब्बत अहले बैत का। अब जियारत का सवाब
इसी अकाउंट में मजलिस का सवाब, इसी अकाउंट में नारे का सवाब, इसी अकाउंट में दुरूद का सवाब, इसी अकाउंट में मोमिनीन के साथ मिलके बैठने का सवाब, इसी अकाउंट में और फरिश्तों का आप पर दुरूद पढ़ने का सवाब इसी अकाउंट में। मैं बात पहुंच रही जिंदाबाद जिंदाबाद। यार जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह या अली। अजीजो मोहम्मद एक अकाउंट मोहब्बत अहले बैत का, एक अकाउंट मोहब्बत अहले बैत का, और अब उसमें सवाब कितनी तरफ से शामिल हो रहा है, कितनी तरफ से शामिल हो रहा है। मैंने सारे बता ही दिए, अभी जाने कितने तरीके हैं, जाने कितने तरीके हैं जिससे सवाब आप तक आ रहा है। गौर कर रहे हैं आप, जाने कितने तरीके, आप जानते भी नहीं कि किस किस तरफ से पैसा आ रहा है। यह तो जब इस अकाउंट का कंप्लीट डाटा आपके हाथ में आएगा रोजे मैशर, तब समझ में आएगा, अरे ये भी शामिल था, ये भी शामिल था, ये भी शामिल था। कितने अकाउंट हैं जो आपके यहां मोहब्बत अहले बैत के नाम से जो आपने अकाउंट खोल लिया उसमें शामिल होता चला जा रहा है। आप यहां से उठे जा रहे हैं अपने रूम में, देखा कोई साहब है परेशान हो रहे हैं, उनका हाथ पकड़ लिया, पहुंचा दिया उसी अकाउंट में। भाई तवज्जो है, उसी अकाउंट में कोई इंसान खरीदो फरोख्त के लिए ही कुछ सही परेशान है, भाई ये बता दीजिए चाय का स्टॉल कहां लगा है। कहा नहीं नहीं ऐसे जाके वहां चले जाइए, गेट से दाखिल होते हुए चाय आपको इस वक्त भी मिल जाएगी, इसका सवाब उसी अकाउंट में। जाने कितना सवाब इसी अकाउंट में शामिल होता जा रहा है, क्यों? इसलिए कि अकाउंट खुला है मोहब्बत अहले बैत का, मोहब्बत अहले बैत का अकाउंट है, तो हर तरफ से सवाब आएगा। और अगर अदावत अहले बैत का अकाउंट है तो न नमाज का सवाब आएगा, न रोजे का सवाब आएगा, न हज का सवाब आएगा, इसलिए कि बुग़्ज़े अहले बैत अकाउंट को करप्ट कर देता है। हाय हाय हाय, क्या सुन रहे हैं आप? ये मैंने आपको बाद मुर्दाबाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला खुला दे। आ गया मजमा, मजमा आ गया पूरा। आइए उठिए हजरत, हाँ गुफ्तगू चालू है हमारी। ये बच्चे हैं जिन्होंने आपके लिए एक और अकाउंट खोल दिया है, एक और अकाउंट खोल दिया है। इस अकाउंट की तफसील मैं कहीं ना कहीं बता दूंगा इसी गुफ्तगू में। यह अकाउंट है जियारत इमाम हुसैन, नहीं बल्कि 14 मासूमीन की जियारत के लिए ना, 14 मासूमीन की जियारत के लिए आपके पैसे से, आपके पैसे से 14 मासूमीन की जियारत के लिए एक मोमिन मुंतखब किया जाएगा, एक मोमिन मुंतखब किया जाएगा, और उससे जो पैसा बच जाएगा वो इसी इमाम बारगाह में लगा दिया जाएगा, इसी रोजे में, ये जो रोजे का भी मुसलसल काम चल रहा है फिर इसी में लगा दिया जाएगा। पैसा आप देंगे एक अकाउंट में आएगा दो तरफ से, क्या सुन रहे हैं आप?
आप पैसा एक दे रहे हैं, मान लीजिए कि 500 ही रुपए आपने दिए, 500 का ही टोकन आपका निकल गया, आपने 500 की एक नोट दी एक नियत के साथ, भैया 500 रुपए लीजिए ठीक है। अब आपके साथ यह भी ख्वाहिश है कि मेरा ही निकल आए तो हम ज्यारत को जाएंगे, अगर निकल आया आप जरूर जियारत को जाएंगे, अगर नहीं निकला तो आपका वो 500 रुपया ज्यादा से ज्यादा एक बंदे मोमिन को जियारत पर भेजेगा, उस जियारत पर, भाई कहां तक आपको सुना, उस जियारत पर भेजेगा कि जिस बंदे मोमिन ने घर से कदम जियारत के लिए निकाला और फरिश्तों ने पर बिछा दिए, फरिश्तों ने कदमों के नीचे पर बिछा दिए, तो ये जो फरिश्तों के परों पर चल रहा है वो आपके पैसों से चल रहा है। एक अकाउंट ये खुल गया, एक अकाउंट ये खुल गया। अगर बैंकिंग बच्चे जानते हैं तो मेरी बात बहुत आसान होगी, कितने पैसे खर्च हो गए, मसलन पूरी जियारत में 80,000 है, मसलन 80,000, 80,000 रुपया खर्च हुआ एक जियारत में, टोकन खरीदा मसलन 500 आदमी ने, तो 500 आदमी का पैसा 80,000 बनके चला गया उस बंदे मोमिन की जियारत में। अब 500 अफराद को उस 80,000 का सवाब मिलता जा रहा है। अब बचे 20,000 रुपए, मसलन 20,000 रुपए, 20,000 रुपए लग गए रोजे के अंदर। अब रोजे में उस 20,000 रुपए से जितना हिस्सा बनता है उन 500 अफराद का, जब तक जियारत रहेगी, जब तक रोजा रहेगा, उसका ये सवाब जारी हो जाएगा। पैसा एक दिया, मुनाफा दोहरा कमा रहे हो, भाई तवज्जो है। ऐसा रिकरिंग अकाउंट है खुदा की कसम ये, जो बच्चों ने आपके लिए इंतजाम किया। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये बच्चे आए और अपनी बात यहां मिंबर के पास करीब हो और अपनी बात रखे। तफसील मैंने आपको बता दी। जनाब अमीर भाई जो मौलवियों के खास जिम्मेदार हैं, मोमिनीन हजरात, मौलाना ने कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रखा। अरे अभी हम और कहेंगे, जो कुछ कहना था उन्होंने सब कुछ कह डाला। बस मुझे तो सिर्फ फर्ज अदा करनी है कि हमारे नौजवान बड़ा हौसला रखते हैं आपको जियारत पर भेजने के लिए, माशाल्लाह, और आपके ताउन से ताउन के मुंतजिर है। आप उनसे ताउन करिए। मुंतजरा ने मेहदी, ये जो कमेटी है बाहर उनका एक स्टॉल लगा हुआ है, वहां उनकी ये चिट्ठी या निकाली जाती है जो जिसके लिए मौलाना ने आपको तफसील बताई। बहरहाल तो अभी इनका ये ड्रो का अभी पहला ड्रो का पहला चिट्ठी उस जाहिर के नाम पर निकलेगा जो खुश नसीब है। तो मैं मौलाना से गुजारिश कर रहा हूं, अब तक जो इसमें हिस्सा लिया है उनमें ज्यादातर इसी वतन कानोदर के आदमी तकरीबन 90% यहाँ के हैं। अब हम ये चाहते हैं कि आप भी उसमें हिस्सेदार बन जाइए। तो कोशिश ये है कि अब वाह मौलाना, अभी ये नाम खुश नसीब का नाम देखिए, टोकन नंबर बता रहे हैं, बहुत खूबसूरत नंबर निकला है, 222 222 नंबर, ये उस टोकन का नंबर है। आप जिसके मतलब के जिसका पास में ये टोकन है वो खुद देख ले, और वो खुश नसीब जाहिर बन के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दिगर मासूमीन की जियारत पर जाएगा। उसका इस्तकबाल नारे सलवा बलंतर सलवा से कीजिए, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बलंतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उस खुश नसीब का नाम है
कानोदर के हैं ये मोमिन अली असगर अली असगर ए पाशेरिया अली असगर अहमद भाई पाशेरिया ये खुश नसीब जाहिर जियारत को जाएंगे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सलवात। और दूसरा ड्रो की टिकटें शुरू हो चुकी है। जनाब अली अभी हमारे नूरी साहब ने एक नूरानी खबर दी है, जाहिर नूरी है तो खबर नूरानी ही होगी कि एक स्टाल और है अर्रिजा वालों का, शाबान भाई का गालिबन, और वो भी शायद टोकन तकसीम कर रहे हैं, उनके यहाँ भी उम्रा और ज़ियारतें शामिल हैं। आप देखें आप एक सवाब की नीयत से निकल रहे हैं, कितने सवाबों की खबर है, है? आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? सिर्फ 222 रुपए हदिया किए और मौला ने इसे, एक बात बताऊं आपको, मौला ने कबूल फरमाया, एक बात बताऊं आपको, 2000 आदमी हो 10000 आदमी हो मगर जिसका मौला कबूल करते हैं उसी का जेब से निकलता है। इसमें हम भी शामिल हैं, इसमें उरूज जौनपुरी भी शामिल है कि जो मौलाना हाउस में बैठा रहा अमीर भाई के चक्कर में, मौलाना हाउस में बैठा रहा, ऐसा नहीं है कि मेरे जेब में 500 रुपए नहीं है, मिंबर पे दिखाना मुनासिब नहीं होगा वरना दिखा देता, नीचे उतरिएगा तो देख लीजिएगा, मगर मैं बड़े वसूख से और बड़े दावे से ये बात कह रहा हूं कि जिसका मौला पैसा कबूल करते हैं उसी का पैसा लगता है। ऐसा नहीं कि पैसा नाजायज नौजुबिल्ला किसी मोमिन के हाथ में है या किसी मोमिन के जेब में, नहीं, सब जायज है मगर जिसका कबूल होता है उसी का पैसा जाता है। ऐसा नहीं है मदीने में रसूल का घर भी था मगर रोटियां रसूल के घर की नहीं बतूल के घर की गई। हाय 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 भाई बात पहुंच रही है, सलामत रहो। याली लीजिए, अब मैं आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। लवित तबाल हक अहवा अहम लफसदत समावाते वल अर्जा व मन फीहिन्ना। अगर बहुत तवज्जो, अब मेरे पास कुल 20 और 15 35 मिनट रह गया है, सिर्फ 35 मिनट अब आपसे मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी जल्दी। अगर देखिए तर्जुमा कर रहा हूं और बहुत तवज्जो से तर्जुमा सुनना हाफिजो, लवित तबाल हक अहवाहुम लफसदत समावाते वल अर्ज़ वमन फीहिन्ना। मेरे पास अब बहुत वक्त नहीं है, अगर हक बातिल की पैरवी कर ले, बातिल की इताअत कर ले, बातिल की फरमा बरदारी कर ले, अगर हक बातिल की इताअत कर लेगा तो ना जमीन रहेगी ना आसमान रहेगा। बहुत बेदारी से, नहीं इतनी आसानी से जुमला नहीं पहुंचेगा। अगर हक बातिल की इत्तेबा पैरवी गुलामी कर लेगा तो ना जमीन रहेगी ना आसमान रहेगा, सबका सब बर्बाद हो जाएगा। वमन फीहिन्ना, और ना इस जमीन और आसमान के दरमियान कोई जिंदा और जानदार रह जाएगा। अगर हक बातिल की इताअत कर लेगा, अब पहचानो कि हुसैन ने इनकारे बायत करके जमीन को बचाया, आसमान को बचाया, कायनात को जिंदगी दी। जिंदाबाद। या अब्बास या अब्बास। या अली। सोचो अजीजो,
میں نے بہت قیمتی جملہ دے دیا صرف ترجمہ ہی کے حوالے سے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار بیعت کیا تو زمین بچ گئی، انکار بیعت کیا آسمان بچ گیا، انکار بیعت کیا تو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب بچ گیا۔ ابھی آپ تقریر میں رہے ہوں گے، جب تقریر ہو رہی تھی افتتاح سے پہلے، اس میں سید مجاہد حسین جعفری جو مشائخ میں سے تھے، آپ کے مہمان تھے، انہوں نے ایک عاشقان حسین کہہ لیجئے یا ذاکران حسین کہہ لیجئے یا حسین کے ماننے والوں کی فہرست ایک پڑی تھی، انہوں نے گاندھی جی کا بھی نام لیا، انہوں نے ایڈورڈ گبن کا بھی نام لیا، ایک ہندو رہنما ہے اور ایک انگریز مورخ ہے، ایڈورڈ گبن انگریز مورخ ہے، راجندر سنگھ راجندر پرساد کا بھی نام لیا جو فرسٹ پرائم پریسیڈنٹ آف انڈیا، پہلے صدر مملکت رہ چکے ہندوستان کے، کہ ان سب نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کہا۔ بڑی توجہ عزیزو، جملہ حوالے کر رہا ہوں، جو عیسائی ہے وہ عیسیٰ کو مانتا ہے، غیر عیسیٰ کے کسی رہنما کو نہیں مانتا، جو یہودی ہے وہ جناب موسیٰ کو مانتا ہے، غیر موسیٰ کسی بھی رہنما کو نہیں مانتا، بات پہنچ رہی نا، جو جینیز ہے وہ اپنے رہنما کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا، جو ہندو ہے وہ اپنے رہنما کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا، جو مسلمان ہے وہ سرکار ختمی مرتبت کو مانتے ہیں دوسرے رہنما کو نہیں مانتے، مگر اس مانے جانے کی دنیا میں واحد حسین ہے جسے عیسائی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، یہ ہر مذہب حسین کو کیوں مان رہا ہے؟ یہ آیت بڑھ کے جواب دے گی، حسین نے صرف اسلام نہیں انسان بچایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی توجہ ہے، سلامت رہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے شک بے شک بے شک، انشاءاللہ، واہ واہ، یا علی، حسین نے صرف اسلام نہیں بچایا، صرف شریعت نہیں بچائی، صرف قرآن میرے آقا نے نہیں بچایا، امام نے انسان بچایا ہے۔ تو اب وہ انسان کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر حسین کو جان جاتا ہے تو سر جھکا لیتا، سر جھکا لیتا ہے، خود سر اس کا در حسین علیہ السلام پر جھکتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ میرے امام نے انسانیت کو حیات دی ہے، کائنات کو حیات دی۔ جملہ رائے گا تو نہیں کرو گے عزیزو، پہلے آدمی سے لے کے اور آخری آدمی تک میں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے بھی مصائب میں نہیں آنا ہے، مگر جملہ دے رہا ہوں، امام علیہ السلام نے میدان کربلا میں ایک بار نہیں کئی بار اس کائنات کو بچایا، انکار بیعت کر کے بھی بچایا، اور اصغر کا خون چلو میں لے کے بھی اس دنیا کو بچا لیا۔ اگر یہ خون گر جاتا تو نہ زمین رہتی نہ آسمان رہتا، حسین نے اس خون کو پیشانی پر مل کے بتایا، ہم دنیا بچائیں گے۔ بے شمار بے شمار لعنت، بے شمار، اگر یہ خون حسین زمین پہ پھینک دیتے زمین اجڑ جاتی، اگر آسمان کے حوالے کر دیتے
आसमान तबाह हो जाता, दोनों सूरत में कायनात तबाह हो जाती, मगर इस खून अबू तालिब को हुसैन ने पेशानी अबू तालिब पे मल लिया, पेशानी अबू तालिब पर मल लिया। क्यों? इसलिए कि हुसैन कायनात को हयात दे रहे थे, कायनात को हयात दे रहे थे। ये दुनिया बचा ली हुसैन ने। कुरान आवाज दे रहा है, बातिल की कभी पैरवी हक नहीं कर सकता। तफसील देख लो, फिर जुमला दे रहा हूं। क्या जनाब इब्राहिम ने अपनी पूरी हयात में किसी एक जगह भी, बहुत कीमती जुमले दे रहा हूं, मुसलसल सुनते चले जाना, पूरी हयात में जनाब इब्राहिम ने तवील हयात पाई थी, किसी एक लम्हा भी नमरूद की पैरवी की नहीं की? कर लेते दुनिया तबाह हो जाती, क्योंकि नमरूद बातिल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक है। अगर हक बातिल की पैरवी कर लेगा दुनिया तबाह हो जाएगी। क्या जनाब मूसा ने जो फिरौन के घर ही में पले, क्या एक मिनट के लिए भी फिरौन की इत्तेबा की नहीं की? मैं जुमला दूंगा, उलमा से तस्दीक कराते रहिएगा, हालांकि पूछना उसी से चाहिए जो पढ़ रहा हो, उसूल यही है, लेकिन मैं इतने एतबार से जुमले दे रहा हूं कि उलमा भी इसकी तस्दीक करेंगे। क्या जनाबे मूसा ने अपनी पूरी हयात में फिरौन के यहां पलने के बावजूद एक मिनट के लिए भी फिरौन की बातिल परस्ती की पैरवी की? फिरौन की बातिल परस्ती की एक मिनट के लिए भी नहीं की? अगर कर लेते दुनिया तबाह हो जाती। क्या जनाबे ईसा ने अपने ऊपर जुल्म करने वालों में से किसी एक से भी गुजारिश की, हमें छोड़ दो हम तुम्हारी बात मान लेंगे? नहीं की। अगर कर लेते दुनिया तबाह हो जाती। अगर अगर रसूल करीम ने, अगर रसूल करीम ने अबू लहब, अबू जहल, अतबा, उतैबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा, किसी एक की भी एक मिनट की कोई पैरवी की नहीं की, अगर कर लेते दुनिया तबाह हो जाती। यजीद ने मुतालबा बायत किया, हुसैन ने इनकार करके इब्राहिम की मेहनत बचाई, मूसा की मेहनत बचाई, ईसा की मेहनत बचाई, रसूल की मेहनत बचाई। यही बात तो ज़ियारत वारिसा में पढ़ते हो, अस्सलाम अलैका या आदम सवतिल्ला या नूहिन नबीइल्ला या इब्राहिम खलीलिल्ला। ये कैसे वारिस है हुसैन? इसलिए कि हुसैन ने इनकार बायत करके हर नबी की मेहनत बचा ली। अजीजो, कुरान मजीद के 30 पारे, 30 ही है ना, किसी अफवाह पर कोई न जाए। हालांकि कुरान पारे पारे नाजिल नहीं हुआ, सूरा सूरा नाजिल हुआ, पारा पारा तो जमाने के हाथों हो गया। बहुत बड़े उस्ताद का ही जुमला है, पारा पारा तो जमाने के हाथों हुआ। कुरान आयत आयत आया या सूरा सूरा आया? कितने सूरे हैं? 100। भाई मजमा भी तो बोले, स्टेज से तो बात आ ही रही है, मजमे की आवाज हम तक भी तो आए। ये अमीर भाई, आपने मजमे को इतना दूर क्यों बिठाया जाकिर से? बहरहाल हम करीब लाएंगे जुमले के, चाहे आप दूर बैठे हों। 114 सूरे, 114 सूरों में 30वें पारे, 30, 30वां, तीसरा ना सुनिएगा, 30वें पारे के
बीचों बीच में एक सूरा है, सूरह इकरा अलक, बीचों बीच में है। यह सूरा नाजिल हुआ सबसे पहले, पहुंच गया 30वें पारे के बीचों बीच में। मैं जुमला तो पहुंचा दिया जो मुझे पहुंचाना था। 114 सूरों में 114 सूराज, 114 सूरों में जो सबसे पहला एक नंबर पर गारे हिरा में नाजिल होने वाला सूरा, एक नंबर पर वो है सूरह इकरा। ठीक है, पहला सूरा जगह कहां मिली? 30वें पारे के बीचों बीच में। इस सूरे में आखिरी आयत में सजदा सजदे वाजिब है। बड़े कीमती जुमले दे रहा हूं। आखिरी सूरे के आखिरी आयत में सजदा सजदे वाजिब है। आयत नहीं पढ़ूंगा वरना हम आप सब के सब उसी तरह सजदा रेज नजर आएंगे जैसे जनाबे आदम के सामने फरिश्ते थे, भीड़ की भीड़ सजदे में। फसजदू इल्ला इबलीस, और अगर कोई न करेगा और भूल जाएगा तो इबलीस ही की तरह फंसेगा। उलमा गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं है? क्योंकि सजदा सजदा वाजिब है, लिहाजा मैं ये आयत नहीं पढ़ूंगा, मगर पूरी तवज्जो चाह रहा हूं मजमून इस शानदार मजमे के मैं हवाले कर चुका हूं असल मजमून, और यकीनन ये मजमा मेरे साथ आएगा। मैं जुमला देना चाहता हूं, उस आयत में लिखा यह है कि मेरे हबीब आपको जब बातिल अपनी पैरवी पर मजबूर करे, गौर से सुनो, जब बातिल आपको अपनी पैरवी पर मजबूर करे तो आप बातिल की पैरवी न करिएगा, सजदा करिएगा। बेदारी से जाग के सुनो अजीजों, ये आयत रसूल के पास आई। पहला कानून, अभी ना नमाज ना रोजा ना हज ना जकात ना इखलाक ना कानून ना तालीम ना तरबियत, कुछ भी मौजूद नहीं है, कुछ भी जिक्र नहीं है। और रसूल के पास ये पहले सूरे की आखिरी आयत आई कि मेरे हबीब जब आपको बातिल अपनी इत्तेबा पर मजबूर करे तो आप उसकी इत्तेबा से इनकार कर दीजिएगा और अल्लाह का सजदा कीजिएगा। रसूल की 23 बरस की जिंदगी में हमें किसी सच्चे झूठे रावी से दिखाओ कि किसी बातिल ने रसूल को अपनी पैरवी पर मजबूर किया हो। थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? बात पहुंच रही है? नहीं, बात पहुंचनी चाहिए। नारे का इंतजार कर लो, नारे का इंतजार कर लो, बात पहुंच जाए। याली, बात पहुंचनी चाहिए, बात पहुंचनी चाहिए अजीजों। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर अगर यह रसूल के पास आयत है, पहला हुक्म, अभी पूरी 23 बरस की तबलीग बाकी है, पहला हुक्म, अगर बातिल आपको अपनी इताअत पर मजबूर करे तो आप उसकी इताअत न करिएगा बल्कि अल्लाह का सजदा कीजिएगा। रसूल की 23 बरस की इबादत में, जुमला महफूज करो, 23 बरस की इबादत में एक दिन भी, 23 बरस की हयात में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जब किसी बातिल ने रसूल को मजबूर इताअत किया हो और रसूल ने उसके बदले इनकार इताअत करके कोई अलग से नुमाया सजदा किया हो,
जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह। اللهم صل على محمد وآل محمد। حیات الحسین میں ہے یا علی یا علی جزاک اللہ یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد। حیات رسول میں نہیں ہے 23 برس حیات حسین میں ہے। हयात हुसैन में है कि रसूल किसी ने रसूल को मजबूर न किया। सवाल बैत हुसैन के सामने आ गया, हुसैन ने इनकार बैत भी किया और फिर सजदा भी किया। वक्त सिमट गया, इसका राज सुना दूं दलील के साथ, कभी गौर करते रहना। तफसील में जाऊंगा तो 45 मिनट सिर्फ यही करबला पे ठहरना पड़ेगा। अजीजो इनकार बैत और सजदा, ठीक है, इनकार बैत और सजदा, जाओ गूगल में जाओ और ज्योग्राफिया निकालो और तारीख ज्योग्राफिया निकालो और मुझे बताओ कि कभी इस रूए जमीन पर सैकड़ों हजारों साल में कभी ऐसा हुआ कि सूरज वक्त असर गुरूब हो जाता? कभी नहीं हुआ। मगर 1-10 मुहर्रम साल 61 हिजरी को क्यों? इसलिए कि हुसैन सजदा कर चुके थे, अब सूरज रह के क्या करता? हाय हाय क्या सुन रहे हो? सुनो तखमीना लगा देता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास 72 अफराद थे, जो रोजमर्रा है मसायब का मैं वो पढ़ रहा हूं। 72 पर ही गुफ्तगू कर रहा हूं। 72 में 40 पहले ही हमले में कत्ल हो गए, 40 अंसार पहले ही हमले में कत्ल हो गए, बचे कितने? 32। बोलना मेरे साथ, बोलते रहना, आवाज आपकी आएगी। 32 लोग रह गए। ये 32 अफराद की जंग इनफरादी है, यानी अकेले अकेले, ठीक है, अकेले अकेले जंग हो रही है 32 आदमी की। करबला का मैदान 2 किलोमीटर रेडियस में है जिसमें जंग हुई है, जिसमें आज शहर करबला आबाद है। 2 किलोमीटर रेडियस में जंग हो रही है, पैदल या घोड़े से 2 किलोमीटर सारे दिन में 32 बार जाना है। टाइम निकालो कितना लगता है। एक बार इमाम इजाजत देते हैं, शहीद कोई होता है, आवाज देता है, इमाम शहीद के पास जाते हैं, उसे उठा के लाते हैं, दूसरे को इजाजत देते हैं, ठीक है, तो 32 × 64 बार 2 किलोमीटर चलना है, तो 64 × 128 किलोमीटर का सफर है। घंटे कितने हैं? सूरज निकलने से लेके वक्ते असर तक। क्या सुन रहे हो अजीजो? क्या गाड़ियां नहीं चलाई हैं? हैं? 128 किलोमीटर का यह सफर इतने कितने टाइम में करना है? कितने टाइम में? सूरज निकलने से लेके जब जंग शुरू हुई और वक्ते असर तक 128 किलोमीटर हुसैन को जाना है। इसी में लाश उठा के लाना है, किसी की पैदल लाए और ज्यादा की घोड़े पे रख के लेके आए, घोड़े से ही जोड़ना, पैदल छोड़ते चले जाओ, तो 128 किलोमीटर कितने घंटे में? 12 घंटा बसना, यानी सुबह 5 बजे से लेके और वक्त असर 5 बजे तक, 12 घंटे से ज्यादा बड़ा दिन तो कभी नहीं ना हुआ इस मशरिक़े वुस्ता में। तो 12 घंटे में इमाम को चलना है 128 किलोमीटर रेडियस में, कमो ज्याद इसे भी छोड़ो 32
शहीद हुसैन के गए, किसी ने 120 को मारा, किसी ने 70 को मारा, किसी ने 40 को मारा, अगर एक कत्ल में एक मिनट भी लगता है, जबकि तलवार से एक मिनट में कोई कत्ल नहीं हो जाएगा, लेकिन एक मिनट भी लगता है तो कई हजार आदमियों को हुसैनी सिपाहियों ने मारा, एक एक मिनट के हिसाब से भी ये 12 घंटा निकल जाएगा। क्या जोड़ रहे हो भाई? ठीक है, तो जितने लोग कत्ल हुए वो 12 घंटे में नहीं पूरे होते, जितनी बार इमाम गए वो 12 घंटे में नहीं पूरे होते। मैं पूछूंगा, ऐ सूरज तुझे क्या हो गया, ये 10 मुहर्रम का दिन ये कौन सा दिन हो गया? सूरज जवाब देगा, हमारा वक्त तो मुकम्मल हो गया, मगर इमाम ने मेरी तनाबे खींच रखी है, सजदा कर लो तो डूब जाना। क्या सुन रहे हो? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। या 32, सलामत रहो, सलामत रहो। 32 सिपाहियों में, 32 सिपाहियों में भी ये 12 घंटे, क्या इस 12 को 24 घंटे से ज़रब कर लेना, तकसीम कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना, 24 घंटे का दिन भी रख के जोड़ के बताना। सिर्फ जनाबे अब्बास का 10,000 की फौज को हटाना, तराई तक जाना, कितने 10,000 की फौज थी तराई पर, पानी न ले जाने के लिए लगाई गई थी 10,000। 5-7 हजार अफराद कहीं जम जाए, आ रहे थे ना उलमाए किराम, एंट्री उनकी हो गई थी 10:45 बजे, पहुंचे 11:10 पर। आज कितनी दूर चले? 500 मीटर भी नहीं। और टाइम कितना लगा? 25 मिनट। आप जबकि रोकने वाले नहीं थे, इस्तकबाल वाले थे। क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? आप इस्तकबाल वाले थे तो 500 मीटर में 25 मिनट लग गए। अब सोचो, जबकि मजमा भी 10,000 का इस्तकबालिया की लाइन में नहीं था, दूर तक बिखरा हुआ था, ये तीरों वाले, कमानों वाले, नेजे वाले, तलवारों वाले, ये 10,000 अब्बास को रोकने में लगे हैं। सिर्फ अब्बास का वक्त जोड़ के बताना कि कितना वक्त लगेगा तराई तक जाने में, मगर ये सारा मारका 12 घंटे में हो गया। कैसे? फिर मैं जुमला दोहरा दूं और बात तमाम, सिर्फ बता, जहन में बिठाने के लिए मैंने मंजर दे दिया। हुसैन ने सूरज की तनाबे रोक ली, आवाज दी, सूरज कल बाबा ने पलटाया था, आज मैं जाने ही नहीं दूंगा। हाय, क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? कल बाबा ने पलटाया था, आज मैं जाने ही नहीं दूंगा। मेरे मौला, क्यों जुमला सुनो बेदारों के, मेरे मौला क्यों कहा? इसलिए कि बाबा का सजदा पंजगाना नमाज का था, मेरा ये सजदा आयत का हुक्म है। जज़ाकल्लाह। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हैदरी।
पांच मरतबा मेरे साथ में आपको सबको जवाब देना है या हुसैन कह के लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक हुसैन जज़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद सलामत रहिए अमीर भाई नारे 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 हाय नारी या याली। बस अजीजों मेरे पास वक्त कम है इसलिए कि मिंबर से किया हुआ दावा है मेरा सवा घंटा तो मिंबर से किया हुआ वादा है सवा ही घंटा पढ़ूंगा। वक्त बहुत कम रह गया है, बात आपके हवाले कर रहा हूं। अगर हमारा और अमीर भाई का मुआहदा ना होता तो शायद डेढ़ पौने दो घंटा इस वक्त बात होती, क्योंकि ऐसे मजमून पर बात आ गई है। अजीजों जुमला हवाले कर रहा हूँ। याली याली अजीजो जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह सलामत रहो। वाह 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 आगे हम पीछे कायनात चले, बड़ा मौजू के हिसाब से शेर दे दिया अजीजों। मैं मेंबर से शेर पढ़ने का आदि नहीं हूँ, मगर एक शेर मैं भी तुम्हें सुनाऊंगा जो मेरे मजमून का शेर है कि आगे हम पीछे कायनात चले, जिसके हाथों में अब्बास का आलम हो फिर कायनात पीछे चलती है, क्योंकि जब ये आलम चलता है तो 10,000 का लश्कर भी रोक नहीं पाता। जब ये आलम चलता है तो 10,000 का मुरस्सा चार आईना बंद लश्कर भी नहीं रोक पाता। आगे हम पीछे कायनात चले अजीजों। मैं कह रहा था कि इमाम ने सूरज को रोक लिया, ऐ सूरज कल तुझे पलटना पड़ा था, क्योंकि वो मेरे बाबा की नमाज़े असर का सजदा था, पंजगाना का सजदा था, मगर ये मेरा सजदा है तो वक्ते असर का, मगर ये सजदा और सजदा है ये इनकारे बैयत के मुकाबले में किया जाने वाला वो सजदा है कि जिस सजदे से न पहले कोई ऐसा सजदा हुआ न इस सजदे के बाद कयामत तक ऐसा सजदा होगा, ऐसा सजदा होगा। मुझे वो तारीखी सजदा करना है। अल्लामा जमील मजहरी साहब पटना से आवाज दे रहे हैं, शेर सुनो। अल्लामा जमील मजहरी कि ये सजदा जो हुसैन का सजदा है, हासिले ताते कौनैन है तन्हा वो नमाज, हासिले हासिल कहते हैं निचोड़ को, हासिले ताते कौनैन है तन्हा वो नमाज जो अदा भी ना हुई और कजा भी ना हुई। हासिले ताते कौनैन है तन्हा वो नमाज जो अदा भी न हुई क्योंकि शमर का खंजर चल रहा था, जो कजा भी न हुई क्योंकि हुसैन सजदे में सर रख चुके थे। वो सजदा हुसैन का सजदा जिसने इस कायनात को हयात बख्श दी, वो सजदा मेरे आका का सजदा जो इनकार बैयत के मुकाबले में किया जा रहा था, वो अजीम शान सजदा
हुसैन ने किया, मगर हमारा हजारों सलाम हो उस सानिये जहरा पर जिसने इस सजदे को हुसैन के जो दुश्मनों के नरगे में हो रहा था कानों दर तक पहुंचा दिया। हाय हाय हाय, नहीं जुमला पहुंचा। वो सजदा कहां हो रहा था? दुश्मनों के घेरे में हो रहा था, घेरे में हो रहा था। चारों तरफ हजारों दुश्मन, छोटा सा दायरा हुसैन सजदे में और पुश्त पर शेमर है। इतने दुश्मनों के नरगे में घेरे में किया जाने वाला सजदा इतने मोमिनीन तक कैसे पहुंच गया? हाय हाय, क्या दुश्मन किसी भलाई को फैलने देता? ये दुश्मन नमाज क्या हुसैन के सजदे को मुस्तहर होने देते? नहीं होने देते। तले ज़ैनबिया पर खड़े होके शहजादी ने आवाज दी, भैया तुम सर कटा रहे हो, इस खबर को कायनात में ज़ैनब पहुंचाएगी। ज़ैनब पहुंचाएगी। याली और अजीजों, हजारों सलाम हमारा शहजादी बिनते रसूल पर कि जिसने अपना सानी सानिये जहरा दिया, अपना सानी जिसने हुसैन के इस गम को, हुसैन की कुर्बानी को, हुसैन के सजदे को आज सारी कायनात में पहुंचा दिया। मैं किस तरह ये जुमले अदा करूं, मगर अदा कर रहा हूं। माशाल्लाह यहां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जायरीन होंगे। बस 1400 साल की तारीख को एक मिनट के लिए पलट लेना, मैं सिर्फ जुमले दे रहा हूं। आज से 1400 साल पहले उसी बाजारे